तो जैसे अभी हमने ब्यूटेन के आइसोमर को देखा था, अब हम पेंटेन के आइसोमर को देखते हैं। तो जैसे आप यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, CH3, CH2, 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 CH3। तो ये मेरे पास एक स्ट्रेट चेन नॉर्मल पेंटेन का आइसोमर है। अगर मैं एक कार्बन को, टर्मिनल कार्बन को छोड़कर सेकंड पोजीशन, सेकंड लोकेंड कार्बन को कहीं पर भी लगा देता हूँ, तो मैं एक कार्बन को यहाँ से हटा रहा हूँ, अब ये जो मेरे पास आया है, इसको मेरे को किसी पोजीशन पे लगाना पड़ेगा, CH3 को। तो मेरे पास स्ट्रक्चर बनी CH3, CH2, CH, CH3, CH3। तो ये मेरे पास आइसो पेंटेन। अब इसी से अब मैं नॉर्मल पेंटेन लाने की कोशिश करता हूँ। अब नॉर्मल पेंटेन में 3 CH3 की यूनिट अलग होती हैं, तो 3 CH3 की यूनिट, 4 CH3 की यूनिट, तो 4 में CH3 की यूनिट ले लेता हूँ। तो जो सेंट्रल है मेरे पास कार्बन, इसके पास केवल क्या होगा, CH3 बॉन्ड जुड़ेंगे। तो ये मेरे पास बन गई स्ट्रक्चर आइसो पेंटेन, जिसमें CH3, सी सी एस थ्री, सी एस थ्री, सी एस थ्री। अगर इसके नाम को अगर हम देखें, 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन, या इसको हम आइसो सॉरी नियो पेंटेन भी कहते हैं। थैंक यू।